हेलो भाई, आप देख रहे हो गाड़ी में, मैं हूँ आपका भाई छोटू तिहारी। आज हम आए हैं पटना के मौर्या होटल और आए हैं, इसका मकसद है भाई कि पटना बिहार में आज पहली बार ईवी एक्सपो लगने वाली है और ये मौर्या होटल के अंदर ही लगने वाली है। तो आज चल के हम जानने वाले हैं ईवी एक्सपो पटना बिहार में कौन कौन सी गाड़ी आई है और क्या फैसिलिटी के साथ आई है। सभी को डिटेल से वॉक अराउंड भी हम हर गाड़ी का देंगे। और पहले तो हम ईवी एक्सपो का एक आपको छोटा सा वीडियो दिखाते हैं कि कौन कौन सा कंपनी का यहाँ पे गाड़ी आई हुई है। जैसे ही आप मौर्या होटल के अंदर एलिएगा भाई, तो आपको ईवी एक्सपो का कुछ इस तरह से डोर बन के आता है और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक बस भी मिल जाता है, जो पटना के आम सड़कों पे आम तरह से आप दौड़ते हुए ईवी बस को देखते होंगे। और आपको ऊपर में लिखा हुआ मिल जाएगा बिहार ईवी वाहन सेमिनार, बिहार ईवी कलेक्शन। जैसे ही आप इसके अंदर एलिएगा तो आपको लेफ्ट साइड में सबसे पहले टॉर्क मोटर्स का आपको बाइक का कलेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद हीरो इलेक्ट्रिक बाइक व्हीकल देखने को मिलेगा। जैसे उसके सेकंड थर्ड में बढ़िएगा तो आपको एथर कंपनी का स्कूटी वगैरह देखने को मिलेगा। और राइट हुंडई के तरफ से भाई आपको आइकॉनिक 5 साथ में आपको कोने मिलेंगे। और इसका वॉक अराउंड भाई नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। वह उससे आगे बढ़े भाई तो आपको रिवोल्ट का मिलेगा, फिर ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाएगा भाई इस, और हुंडई के बाद भाई आपको इस रेंज में एमजी का कलेक्शन मिल जाता है, एमजी कोमेट ईवी, साथ में आपको एमजी जेडएस ईवी भी का कलेक्शन देखने को मिलता है। उसके आगे जैसे ही आप बढ़िएगा तो आपको टाटा का गाड़ी मिल जाएगा, टाटा नेक्सॉन ईवी और टाटा टियागो ईवी। उसके जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपको टोयोटा के तरफ से टोयोटा कैमरी और टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड मिल जाएगा, क्योंकि टोयोटा की तरफ से आप कोई भी ईवी व्हीकल नहीं आता है, इसमें आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है। तो टोयोटा की तरफ से दो आपको हाइब्रिड गाड़ी का ऑप्शन मिल जाता है, कैमरी और साथ में इनोवा हाई क्रॉस का। मारुति की तरफ से आपको दो गाड़ी का कलेक्शन मिल जाएगा, एक तो आपको इन्विक्टो का मिल जाएगा और साथ में एक आपको ग्रैंड विटारा का मिल जाएगा। इन्विक्टो भाई आपको हाइब्रिड में ही आता है और ग्रैंड विटारा भी हाइब्रिड में आता है। दोनों का वॉक अराउंड आपको मेरे चैनल पर मिल ही जाएगा। और फिर से आज एक बार वॉक अराउंड भाई आपको लगातार वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। बिहार के सड़कों पर दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक बस का मिलेगा, तो बस से ही भाई वॉक अराउंड शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बस का जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको लेंथ 9400 mm का मिल जाता है, विड्थ जो है 2600 mm का मिलता है। व्हील बेस का बात करें तो 4860 mm का आपको व्हील बेस मिलता है। सीटिंग कैपेसिटी का बात करें तो इसमें आपको 32 से 37 सीटिंग कैपेसिटी मिलता है, ऑप्शन मिल जाता है। और कुछ इस तरह से आपको चढ़ने के लिए फुटरैप मिल जाता है, रिवर्स कैमरा का आपको कुछ इस तरह से सेटअप मिल जाता है, और इसमें आपको एडप्टिव गाइडलाइन भी मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है, जो कि आपको लेदर रैप वगैरह नहीं मिलता है, नॉर्मल सा आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। और यहाँ पर आपको तमाम तरह का कंट्रोल मिल जाता है। सीट कम्फर्ट का बात करें तो सीट कम्फर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है और कम्फर्टेबल सीट मिलता है, साथ में आपको लेगरूम वगैरह का भी कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। इसमें आपको 650 किलोवाट का बैटरी का मिलता है लिथियम, और ये आपको फास्ट चार्जिंग 0 to 80% आपको 45 मिनट से 1 आवर तक लगता है। और फुल चार्जिंग आपको नॉर्मल चार्ज से चार्ज कीजिएगा 3.3 किलोवाट के, तो आपको 2 से 3 घंटा में चार्ज हो जाता है। वहीं रेंज का बात करें तो एक बार फुल चार्ज कर देने पर आपको 200 से 300 किलोमीटर आराम से दौड़ जाती है। और भाई ये बस है तो बस में लोड कैपेसिटी के अनुकूल ही बैटरी का कंज्यूम ज़्यादा होता है। बस का पूरा वॉक अराउंड हो जाता है और कुछ इस तरह से काफ़ी खूबसूरत दिखने वाली आपको बस मिलता है।